दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर दी जाती है आपके पैसों से जुड़ी हुई जानकारी, आपके पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब और आपके काम की बात की जाती है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए 8 शानदार स्कीम की, जहां पर पैसे लगा करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा बैंक एफडी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में पिछले कुछ समय से बैंक एफडी पर लगातार ब्याज कम किया जा रहा है। हालांकि ऐसे में भी कुछ बैंक सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज की पेशकश कर रहे हैं, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में सीनियर सिटीजन के लिए खास स्कीम FD स्कीम चलाई जा रही है, जिसकी अवधि 30 जून 2021 तक बढ़ाई गई है। इस खास स्कीम में अगर सीनियर सिटीजन FD कराते हैं 30 जून 2021 तक तो उनको 1% तक ज्यादा ब्याज मिलेगा FD पर। तो आप अगर सीनियर सिटीजन हैं या फिर सीनियर सिटीजन के नाम पर FD स्कीम में खाता खुलवाना चाहते हैं तो इन 4 बैंकों में आपको खाता खुलवाने के बारे में सोचना चाहिए। तो SBI बैंक सीनियर सिटीजन को अगर ये खास स्कीम खुलवाते हैं तो 0.80% ज्यादा ब्याज देगा नॉर्मल FD रेट के मुकाबले। ICICI बैंक भी 0.80% ज्यादा ब्याज देगा। HDFC बैंक 0.75% ज्यादा ब्याज देगा सीनियर सिटीजन को अगर ये खास स्कीम के तहत FD खुलवाते हैं तो। बैंक ऑफ बड़ौदा 1% ज्यादा ब्याज देगा नॉर्मल FD रेट से। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस FD में आप पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा SC SSI जो कि डाकघर में खुलवा करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम POMIS है, जिसका कि नाम बदल करके नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम कर दिया गया है, वहां पर भी आप अच्छा खासा ब्याज पा सकते हैं। इसके अलावा एक PMVBY है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसके तहत भी अच्छा खासा ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन को। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कहां पर कितना ब्याज मिलेगा अगर आप 30 जून 2021 तक खाता खुलवाते हैं वहां पर। तब तो SC SS ये पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है और जून 2021 तक अगर आप खाता खुलवाते हैं तो 7.4% हर साल ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी तक ये ब्याज मिलता ही रहेगा भले ही ब्याज दर में बदलाव हो जाए। SBI VKR इसमें आपको 5 साल से लेकर के 10 साल तक निवेशित रहना है, उसके पहले अगर आप FD तोड़ते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इस पर सीनियर सिटीजन को 6.20% सालाना ब्याज मिल रहा है, जबकि सामान्य नागरिकों को 5.40% सालाना। लेकिन 30 जून 2021 तक ही अगर आप इस स्कीम में निवेश करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD है, इसमें अगर आप 30 जून 2021 तक निवेश करते हैं तो सालाना 6.30% ब्याज मिलेगा, यानी SBI से ज्यादा ब्याज मिलेगा ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स में। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि 5 साल से 10 साल तक आपको निवेशित रहना है, नहीं तो अगर पहले पैसे निकालते हैं तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। HDFC बैंक सीनियर सिटीजन की RFD है, यहां पर अगर आप 30 जून 2021 तक निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी तक यानी 5 साल से लेकर 10 साल तक आपको हर साल 6.25% ब्याज मिलेगा, यानी जितना SBI में मिलता है उससे ज्यादा, लेकिन ICICI बैंक से कम। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर आप 5 साल से 10 साल तक निवेशित रहते हैं और सीनियर सिटीजन है तो 6.25% हर साल ब्याज मिलेगा, यानी जितना HDFC बैंक में ब्याज मिलता है उतना। तो SBI से ज्यादा आपको ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD में मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए। पोस्ट ऑफिस में 5 साल का FD अगर करवाते हैं सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉर्मल नागरिक भी हो तो वहां पर 6.7% हर साल ब्याज मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अप्रैल मई जून 2021 के दौरान खुलवाते हैं तब मैच्योरिटी तक मिलेगा। तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI से ज्यादा ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD में मिलेगा, क्योंकि यहां पर
6.7% हर साल ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग्स स्कीम है, यहाँ पर आपको 6.6% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक, लेकिन ध्यान रहे कि अप्रैल मई जून 2021 के दौरान खाता खुलवाएंगे तब, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में हर तिमाही में ब्याज दर की समीक्षा होती है और हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती की जाए, उसको बढ़ाया जाए या जस का तस रखा जाए। लेकिन अप्रैल मई जून 2021 में अगर आप निवेश करेंगे तो मैच्योरिटी तक आपको 6.6% ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग्स स्कीम में। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा सेफ्टी कहाँ है, तो सबसे ज्यादा सेफ्टी पोस्ट ऑफिस की बचत स्कीम में है, क्योंकि यहां पर सरकार सोवरन गारंटी देती है आपके पैसों की और आपके पैसे जितने भी पैसे लगे हों सब सुरक्षित रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस अगर डूब भी गया तो बैंक तो सरकार आपको पूरे पैसे वापस लौटाती है। लेकिन जहां तक बात बैंक की है तो वहां पर आपके पैसे 5 लाख तक ही सुरक्षित है बैंक के डूबने पर या बैंक के लाइसेंस रद्द होने पर। अगर आपका वहां पैसा 5 लाख से ज्यादा है तो ज्यादा अतिरिक्त पैसों की वापसी की उम्मीद कम रहती है, क्योंकि सेफ्टी सिर्फ 5 लाख रुपए तक की है बैंकों में। तो ये रही सेफ्टी की बात और ब्याज दर की बात। अब हम बात कर लेते हैं PMVVY की, यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की। तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और LIC द्वारा बेची जा रही है, ये पेंशन स्कीम है। सीनियर सिटीजन 31 मार्च 2023 तक इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने की अधिकतम सीमा है 15 लाख रुपए और इसमें सालाना ब्याज मिलेगा 7.4%। 10 साल तक हर महीने प्रति माह कम से कम 1,000 रुपए और अधिक से अधिक 10,000 रुपए पेंशन आप पा सकते हैं इसमें निवेश करके। इस योजना के अंतर्गत हर साल 12,000 की पेंशन के लिए 1,56,658 रुपए और हर महीने 1,000 की न्यूनतम पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए 1,62,162 रुपए कम से कम निवेश करना पड़ेगा। LIC के जरिए इसमें आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन निवेश कर सकते हैं। तो PMVVY के बारे में और ज्यादा जानकारी आप LIC से पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं या फिर किसी एजेंट के जरिए भी पता कर सकते हैं कि क्या अपडेट है, आपको कितना निवेश करना पड़ेगा कितनी पेंशन करने के लिए। तो इस तरह से ये 8 शानदार स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। बैंकों द्वारा ब्याज दर कम किए जा रहे हैं, ऐसे मौके में वो पैसे लगा करके ज्यादा ब्याज पा सकते हैं, रिटायरमेंट बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।